इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया अते सोशल मीडिया का असी वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं कि अज तमाम सिविल सिख सोसाइटी जे एंड के वालों जो पिछले दिनों दे विच जो तीन व्यक्तियों नूं अरेस्ट किया गया है उस दे संबंध विच आप सारे नूं तकलीफ दी है अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुँचने लई, क्योंकि जो सरदार सुदर्शन सिंह वजीर, सरदार एच एस रैना हरजिंदर सिंह जी रैना ते जगपाल सिंह जी जिन्हों अरेस्ट किया गया है किसी कतल केस के संबंध विच, अते ए जो व्यक्ति ने जिन्हों का बैकग्राउंड जिन्हों का पिछला जीवन एक सोशल वर्कर समाज सेवी अते समाज के हर वर्ग चाहे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर व्यक्ति की हर तरह के दुख अते सुख किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी रही है सारी जिंदगी ये लोग बतौर समाज सेवक अते उन्हां लोकां दी मदद करन विच सहायता करदे रहे ने। ओह इन्हां पास जो भी व्यक्ति गया उन्होंने की है कीता है अते अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा एक वड्डा कारण यह है कि इन्हां विचों किसी भी व्यक्ति का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जा पिछली जो जीवन इन्हां दा बतीत होया है किसी किस्म का इन्हां दा कोई किसी नाल लैण देण जा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो ना ही कोई किसी किस्म की कोई बिजनेस सांझी है ना ही कोई लैण देण है, सारयां दा अपना अपना कीता है। जिवें प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया विच आ रहा है क्योंकि सरदार सुदर्शन सिंह जी वजीर जो कि 1997 दे विच गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के चेयरमैन इलेक्शन जीत के बने सन अते उन्होंने अपना टेन्यूअर पूरा करन तो लगभग एक साल पहला ही रिजाइन कर दिता सी ताकि अगलिया इलेक्शन दे विच किसी होर व्यक्ति नूं ये सेवा बख्शी जाए, क्योंकि गुरु घर दीआं सेवावां जिहड़ियां ने ओह हर व्यक्ति कर सकता है। इसे तरह जदों असी देखते हाँ जो दो फाइनेंसर ने सरदार हरजिंदर सिंह जी रैना जो कि फाइनेंसर ने उन्हों का अपना कारोबार है बिजनेस है अते समाज दे विच एक अच्छे अपने जीवन करके जाने जाते ने, वह भी तीन इलेक्शन गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट जम्मू दी उन्होंने लड़िया और तिना दे विच जीते अते इस बार उन्होंने कोई इलेक्शन विच पार्टिसिपेट नहीं किया। इसे तरह सरदार जगपाल सिंह जी जेड़े एक जम्मू दे नामी कारोबारी ने अते उन्हों का अपना बिजनेस है फाइनेंस का कारोबार है जिस दे विच अपने कम्मां काजां च रुझे देन और उन्हों का भी समाज दे विच किसी किस्म का कोई पोलिटिकल जा असी कह सकते हाँ कि क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड किसी किस्म की नहीं है, तो उन्होंने जिंदगी पहली दफा ये गुरद्वारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी की इलेक्शन नानगर तो लड़ी अते ओ भारी मतों जीत हासिल की। इस वेले वो डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के कैशियर के बतौर काम कर रहे ने। सो ये सारे हालात मद्देनजर रखते हुए असी इस सिटे ते पहुंचते हाँ कि इन्हों का किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर उस तो इलावा जड़ी पहला चार्जशीट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सबमिट की सी उस दे विच सरदार हरमीत सिंह ने अपनी कन्फेसिंग जड़ी स्टेटमेंट सी ये गल कही सी कि मैं जदों सरदार साहब दे उन्हां दी स्टेटमेंट सुनी तो मैं दरवाजे दे बाहर खड़ा सां
अते उन्होंने कहा सी कि इसनू मैं बर्बाद देना है, कुछ भी उन्होंने जो गल्लां कहियां वह चार्जशीट दे विच हैं अते मीडिया दे विच ही पहला आईया ने। लेकिन मैनू गुस्सा आ गया, मैं अंदर जाके अपने सिर्फ अपना जरा रिवाल्वर सी जा जो भी उन्होंने को वैपन सी उसके थ्रू उन्होंने मर्डर किया। ये उन्होंने कन्फेसिंग स्टेटमेंट ही दी जी चार्जशीट गौरमेंट ने उत्थे सबमिट की है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे विच। जदों एक चीज साबित हो जाती है क्राइम करने वाला व्यक्ति ये गल कहिंदा कि मैं जो सी चाह के गुस्से चाह के एक बंदे का मैं मर्डर किया है और एजेंसियां नूं अपनी स्टेटमेंट भी देंदा है तो वह चार्जशीट सबमिट होंदी है। पहला भी सरदार सुदर्शन सिंह जी वजीर साहब नूं बुलाया गया तो जदों उसकी अपनी कन्फेसिंग स्टेटमेंट आती है सरदार सुदर्शन सिंह वजीर नूं क्लीन चिट दे के उन्होंने उस चार्जशीट के विच उन्हों का नाम कोई नहीं है, इहदा मतलब उन्हों का इस केस के विच किसी किस्म की कोई इनवॉल्वमेंट नहीं है। इस करके असी अज की यह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि साडे समाज के विच उगे व्यक्ति ने समाज सेवक ने जिन्हों की किसी किस्म की कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है उन्होंने शायद कुछ लोगों ने जिन्हों का अपना परसनल इंटरैसट सी जा उन्होंने उन्होंने कोई लाभ लेना सी उस करके इसनू मिसलीड किया गया। हो सकता एजेंसियों नू कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई हो तो जिस करके उन्होंने इन्हों दोबारा अरैसट करके बिना किसी इन्वेस्टिगेशन दे उन्होंने उन्होंने अरैसट करके जेल भेज दिता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विच असी तमाम सिख सिविल सोसाइटी के जेडे चीदा चीदा व्यक्ति इतने पहुंचे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राही उन्होंने एजेंसियों पासों ये मंग करते हाँ कि इस केस की डीपली वड्डे पद्धर के उत्ते इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है। हो सकता है कौन कौन लोग की सन जिन्हों का परसनल मोटिव हो सारी घटनाक्रम लैन लई जिन्हों ने हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन एजेंसियों को दिती हो ते उस करके असी आज दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस डिमांड करते हाँ कि एक तो इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है। जो भी लोग इस केस दे विच इनवॉल्व ने उन्होंने जरूर सजा मिलनी चाहिए है। असी यह भी डिमांड करांगे कि इन्हां लोगों सारियां दा जो जिन्ना जिन्ना उपरी शक जा रहा है उन्हां सारियां दा नारको टेस्ट होना चाहिए। नारको टेस्ट तों बाद जो भी इस केस दे विच इनवॉल्व हैं उन्होंने हर तरह की सजा जो भी कोर्ट देगा असी उसनू प्रवान करांगे। लेकिन अगर इस किस्म का गलत किसी के इनफॉरमेशन के तहत अगर इन्हां व्यक्तियों के अरैसट किया गया है नारको टेस्ट करन तों बाद इन्हां जिहड़े बा इज्जत जिहड़े लोकी समाज सेवक ने सरदार सुदर्शन सिंह जी वजीर सरदार हरजिंदर सिंह जी रैणा सरदार जगपाल सिंह जी नूं बा इज्जत रिहा किया जाए इहो अज दी साडी अपील सरकार पास है ते उन्हां तफ्तीश करन वालियां एजेंसियां पास है। थैंक यू।